हेलो गाइज, वेलकम टू माई क्लेवर बुक्स। काफ़ी दिनों से वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था और उसका एक ही रीज़न है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अभी एक वीडियो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो MPPSC मीन्स एग्जाम का पेपर नंबर 4 है एथिक्स का, उसकी वीडियो सीरीज़। और इसमें मैं सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसका एक ही रीज़न है कि इस पर्टिकुलर पेपर के लिए जो इंग्लिश मीडियम है उसमें सिलेबस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप देखें तो कोई बुक्स तो पहली बात आती नहीं है, और अगर हम लेक्सिकॉन एंड ऑल जो भी बुक्स आती है UPSC के लिए वो देखें तो उसमें कुछ चीज़ें अननेसरी होती है, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की बिल्कुल नहीं होगी MPPSC पेपर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं मिलती है। तो एक जगह ऐसी जो जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। और ये पेपर वैसे बहुत इजी है, अगर आप इसको रीड कर ले बहुत अच्छे तरीके से तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं होगी आपको। हालांकि सब्जेक्ट नया होता है बहुत लोगों के लिए, बट वो एक मतलब वो बिल्कुल मैटर नहीं है कि सब्जेक्ट तो सारे ही नए होते हैं, क्योंकि या तो आप साइंस साइड वाले हैं या आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर आप आर्ट साइड वाले हैं, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपके लिए नया होता ही होगा। बट हालांकि ये बहुत लोगों के लिए एथिक्स नया होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ मैं कि ये जो मैं बता रही हूँ आपको, आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है इसमें। जितना दिया हुआ है सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, अननेसरी चीज़ें नहीं पढ़ना, बट उतनी ही चीज़ों को इतने अच्छे से पढ़ना है कि एग्जाम में अगर आए तो आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकें। देखिए क्या होता है कि जो पेपर होता है एथिक्स का वो होता है 200 मार्क्स का, और उसके पहले वाले जो तीन पेपर होते हैं वो सारे 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में होते हैं, ये सिर्फ एक पार्ट में होता है, वो 300 मार्क्स के होते हैं 1, 2, 3 पेपर, और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं 150 मार्क्स ईच। तो एथिक्स का एडवांटेज ये है कि 200 नंबर का पेपर होता है, बट आपको मिलते कितने हैं, 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे में 30 मार्क्स का अगर केस स्टडीज आता है, तो उसमें केस स्टडी सॉल्व करने में सिर्फ ऐसा है कि आपको दिमाग लगाना है। अगर आप सोच सकते हैं, अगर आपका दिमाग उतना अच्छे तरीके से सोचता है तो आप उसको 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें भी थोड़ा बहुत ही लिखना पड़ता है। बट अगर ये चीज़ें, अगर ये एडवांटेज है, तो एथिक्स का पेपर आपको बहुत ईजी पड़ेगा, और यही एक सब्जेक्ट है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या, जो ऐसे का पेपर होता है, जो निबंध लेखन वाला पेपर होता है, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी अगर आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग वो सही है तो आप बहुत अच्छे से उस पेपर को लिख सकते हैं। और डिपेंड यही करता है कि थोड़े से बहुत कम फर्क होता है, जब कोई बच्चा सिलेक्ट होता है और कोई नहीं हो रहा है तो उन दोनों के बीच में मार्क्स का डिफरेंस भी बहुत कम होता है, क्योंकि मोर और लेस लगभग सभी लोग एक जैसा लिखते हैं, बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है अगर जो चेक कर रहा है उसको पसंद आए कोई चीज़ पर्टिकुलरली। इसलिए स्टार्टिंग से जब आप लिख रहे हैं तो पेपर स्टार्टिंग से बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि पहली बार में भैया चेक करने वाला एकदम इम्प्रेस हो जाए और फिर आगे वो बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे, या फिर थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक्स हो तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो इसीलिए पेपर 4 जो है एथिक्स का वो बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या मैं बता रही हूँ उसके बारे में, 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे का टाइम, ठीक है। और क्या है इसमें कि इसमें 3 टोटल क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया केस स्टडीज से रिलेटेड आता है उसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर का 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाकी सिलेबस से रिलेटेड आते हैं, बाकी सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड और करप्शन एंड ऑल, तो थिंकर्स फिलोसोफर्स ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से करना है, लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, वर्ड्स चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, और जो अरेंजमेंट है जब आप कोई चीज़ का आंसर करें तो एग्जामिनर को ऐसा लगे कि भैया इसने जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसको अच्छे तरीके से समझा है, और उसको पढ़ने में मज़ा आए और उसको देखने में मज़ा आए। कन्फ्यूज करने वाले वर्ड्स बिल्कुल ना लिखे, जितना ईजी लैंग्वेज होगी आपकी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि जब पढ़ रहे हैं तो या तो समझ में आए अच्छे से और देखने में अच्छा लगे कि हाँ चलो इस बंदे का कुछ ये बंदा कुछ नॉलेज रखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और ये पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। तो फर्स्ट यूनिट जो दी है उस एथिक्स के पेपर में वो है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेपर वैसे नॉलेज में अगर आप देखें तो इसकी ज़रूरत कहाँ है, जब आप
बन जाते हैं सिविल सर्वेंट, तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या है, जब ऐसा ऑफिसर जो वैल्यूज को अच्छे तरीके से समझता है, वो ही अच्छे तरीके से अपनी जो ड्यूटीज है उसको निभा सकता है। तो इसीलिए ये सिलेबस में ऐड किया गया है, ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो ही अच्छी हो जाए, आपको पता चले कि आपको क्या काम करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो आपके सामने आ सकती है जब आप वो जॉब कर रहे हैं। तो ठीक है, अपना काम आप अच्छे तरीके से करें, इसीलिए ये सारी चीजें सिलेबस में ऐड की हैं। तो फर्स्ट है ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स यानी कि मानवीय आवश्यकताएं, एंड मोटिवेशन, एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एथिक्स है, या जो जिसको कहते हैं नीति शास्त्र, और वैल्यूज जो है उनकी क्या वैल्यू, मतलब उनकी क्या जगह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नमेंट, तो जो भी लोक प्रशासन कहते हैं पब्लिक ये एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें जो भी नैतिक सद्गुण और मूल्य वैल्यूज, मतलब मूल्य, नैतिक सद्गुण, एथिकल वैल्यूज, जो भी आपको आपके पास होना चाहिए, जो आपकी थिंकिंग अच्छी रखे। ठीक है, अब क्या क्या है एथिकल एलिमेंट्स इसमें है, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी होती है सत्य निष्ठा। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जब कोई बंदा कितनी ईमानदारी से काम करता है, सत्य निष्ठा जिसको कहते हैं हिंदी में, कितने ऑनेस्टी के साथ काम करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर और लेस है तो एक जैसे वर्ड्स, पर क्या डिफरेंस है। अकाउंटेबिलिटी होता है जो उत्तरदायित्व है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या जिम्मेदारी कहते हैं उसको। तो अकाउंटेबिलिटी जो है एक ब्रॉड वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अकाउंटेबल कोई भी चीज़ है, अगर आप अकाउंटेबल हो तो वो आपको करनी ही करनी है, मतलब अगर आपने नहीं किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पाए आप। देन ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता जिसको कहते हैं, कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इतनी ईमानदारी से करें कि उसको लोगों के सामने आपको जब जरूरत पड़े कि हाँ आपने किस तरीके से ये काम किया है, और तो आप उसको बता सके कि ट्रांसपेरेंसी रहे उसमें, पारदर्शिता रहे। देन एथिकल रीजनिंग एंड मॉरल डाइलेमास, कई बार क्या होता है कि आपके सामने ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती है जिनको आज जिनमें आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। एक होता है कि आपका मन कहता है कि चलो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन क्या होता है लॉ के अगेंस्ट होती है वो चीजें। तो इस सिचुएशन में कैसे डील करना है आपको, ये आपको पढ़ना है एथिकल डिलेमास में। इसको जो है डिलेमास को कहते हैं दुविधा, नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमास मतलब नैतिक दुविधा। देन कॉन्सेंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ये क्या है कॉन्सेंस, मतलब अंतरात्मा। क्या होता है कई बार जो फैसले हम लेते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग ले, या फिर हमारे जो मन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ले, तो आपको दोनों का तालमेल बैठाकर फैसले लेने हैं। तो कॉन्सेंस मतलब हमारी अंतरात्मा को हमको यूज करना है एथिकल गाइडेंस में, कि जब हम कोई चीज कर रहे हैं वो किस हद तक सही है, ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पे लोगों का, सॉरी लोगों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ में ध्यान में रखना है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट का क्या आचरण होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कौन सी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स। देन वैल्यूज इन गवर्नमेंट्स, मतलब जो गवर्नेंस है उसमें क्या क्या वैल्यूज है वो भी आपको पढ़नी है। देन नेक्स्ट है फिलोसोफर, थिंकर्स, सोशल वर्कर्स एंड रिफॉर्मर्स, तो ये बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, ये सारे आपको पढ़ना है। और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो डिटेल में नहीं पढ़े हैं। तो डिटेल में आपको क्या पढ़ना है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ उसको करने का। ये सारे जो इसमें से, जैसे महावीर है, बुद्धा है, कौटिल्य है, और गुरु नानक है, कबीर है, तुलसीदास ये, और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे जो हिस्ट्री में मोस्टली आप पढ़ते हैं, तो इनकी सेपरेट बायोग्राफीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है
और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक होती है या फिर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो उससे आप पहले एक बार पढ़ ले, एक बार रीड करने के लिए वो यूज करें। उसके बाद जो मैं बताऊंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी होगा। क्यों कह रही हूँ मैं ये सब डिटेल में पढ़ने के लिए? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आपको स्टोरीज के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो ये जितने भी फिलोसोफर्स थिंकर्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सारे आपको एक बार डिटेल में पढ़ना है। जैसे दयानंद सरस्वती को भी हम पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद को भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, और गांधी जी को भी हम इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं गांधी जी को। तो ये सारे जो नाम दिए हुए इसमें आप देखेंगे अगर, तो आपको जो जो लगता है कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उनको आप डिटेल में एक बार पढ़ लें। और इसके अलावा क्या करना है, जो मैं बताऊंगी जितना मैं सिलेबस में कवर करवाऊंगी वो काफ़ी होगा इसको पढ़ने के लिए। अब तरीका क्या होना चाहिए इन थिंकर्स को पढ़ने का, इनका जन्म का समय कहाँ पे इनका जन्म हुआ है और इनकी फिलॉसफी क्या थी। फिलॉसफी क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी फिलॉसफर्स जो है या दार्शनिक जिसको कहते हैं, तो इनकी फिलॉसफी क्या थी। अगर महावीर है उनका जो बर्थ कब हुआ है वो आपको पढ़ना है, और ये क्या कहते थे, इनके प्रिंसिपल्स क्या थे ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा आप एक लाइन से पढ़ते चले गए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे बुद्धा है, बुद्धा क्या कहते थे, जैसे अहिंसा को ये मतलब इनका जो मेन वो था कि अहिंसा को हम लोग को बढ़ावा देना है, तो इसी टाइप का हर एक थिंकर के बारे में आपको उसकी फिलॉसफी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वो मोस्टली हम लोग हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमको प्री में नहीं है, तो ये आपको बाद में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो पहले मेंस दे चुके हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनको पता है हमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं प्री, या फिर जिनका प्री पहले क्लियर नहीं हुआ है, सेकेंड थर्ड टाइम जितने बार भी दे रहे हैं, मेंस नहीं दिया है, कहने का मतलब ये है अगर मेंस आपने नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अभी से सिलेबस इकट्ठा करके रखना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्री की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। आपको पहले से सिलेबस इकट्ठा करके रखना है, अलॉन्ग विद दैट आपको थोड़ा 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 पढ़ते भी रहना है, ताकि एकदम से सिलेबस जब बहुत सारा जब आता है मेंस का सिलेबस तो आप घबराए ना, अच्छे से पढ़े और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आए। द नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, मतलब एटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं मनोवृत्ति, आपके जो सोचने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। जब आप जो सिविल सर्वेंट होते हो आप, तो आपको लोगों से डील करना पड़ता है, पर उस टाइम पे आप किसी भी सोसाइटी से आते हो, आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, आप को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है लोगों के बीच में, तो इसीलिए कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। आपको सबसे पहले कंटेंट जो है उस पर ध्यान देना है, एलिमेंट्स जो है कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए आपके एटीट्यूड में, फंक्शंस फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड के जो मतलब उसकी फॉर्मेशन के जो फंक्शंस है वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एटीट्यूडनल चेंज, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको लेकर हम सोचते हैं कि चलो ये अच्छा नहीं है, बट आप जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आपको उस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है, आपको न्यूट्रल एटीट्यूड रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। पहले से जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो एप्लीकेबल हो हर कंडीशन में, ठीक है। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन भी करना है, बट इसके अलावा क्या है, प्रेजडीज मतलब जो हम पहले से सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जिसको कहते हैं पूर्वाग्रह, उसके आधार पर हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कोई चीज़ों को भेदभाव नहीं करना है लोगों में, हमारी प्रेजुडीज या फिर अब स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि जब कोई एक चीज़ है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर एक पर्सन की वजह से उस पूरी कम्युनिटी के लिए उस थिंकिंग को हम अपने मन में बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो रूढ़िवादिता कहते हैं जिसको हिंदी में, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। एटीट्यूड में सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। द नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट में, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए, वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब कैसी आपकी कैसे आपके मूल मूल्य होना चाहिए सिविल सर्विसेज के, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके कैसे मूल्य होना चाहिए। सत्यनिष्ठा जैसा मैंने बताया, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, जो सिविल सर्वेंट है उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉन पार्टनरशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, मतलब जो पर्सन अगर सिविल सर्वेंट बनता है तो उसको डेडिकेटेड होना चाहिए अपनी
जो वो काम कर रहा है उसके लिए, ठीक है। एम्पथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टूवर्ड्स दी वीकर सेक्शन। अब कंपैशन क्या होता है? अब जब हम किसी को देखते हैं तो कोई भी, अगर कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है और आपसे पैसे मांग रहे हैं कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे पैसे चाहिए या मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो तब आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? तब आपको उस पर दया आएगी, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपथी, ठीक है। आप जब उसके उसके उसको देखेंगे और ये सोचेंगे कि अगर मैं इसकी जगह होता तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एम्पथी। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन सिंपथी और एम्पथी से एक स्टेप ऊपर होता है। जब आप उस बच्चे की प्रॉब्लम दूर करने के लिए कोई एक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं कंपैशन। तो यही कंपैशन होना चाहिए टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो ये पढ़ना है आपको एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं सिविल सर्वेंट के सामने जब उसको इमोशनली भी सोचना पड़ता है और एथिकली भी सोचना पड़ता है और लॉ के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है, तो इसीलिए वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल का होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके जो कंसेप्ट है, क्या क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर, द यूटिलिटी, क्या क्या यूटिलिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस की, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। कुल मिलाकर ये तैयारी है आपकी आगे जब आप जॉब करें, जब आप सिविल सर्वेंट बन जाए, तो ये उसके पहले की तैयारी है कि आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन तो भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, ये होता ही है, तो इसीलिए इसको रोकना कैसे है? अगर हम साफ रहेंगे तो हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी साफ रहेंगे, दैट मीन्स वो भी करप्शन से दूर रहेंगे। तो हमको करप्शन से दूर रहना है, इसके लिए हमको पढ़ना है कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं करप्शन के, क्या इफेक्ट होते हैं करप्शन के, अप्रोचेस टू मिनिमाइजिंग करप्शन, कैसे हम कम कर सकते हैं करप्शन, ठीक है। मीडिया, फैमिली का क्या रोल है, विसल ब्लोअर क्या होता है, विसल ब्लोअर आपको पता ही होगा जो करप्शन के बारे में जानकारी देता है। यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है। यूएन का जो कन्वेंशन है करप्शन पे, मेजरिंग करप्शन कैसे नापा जाता है, हालांकि इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, इसको नापना तो वैसे पॉसिबल नहीं है, फिर भी कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे करप्शन को नापा जाता है। देन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन के अगेंस्ट काम करती है। देन नेक्स्ट है लास्ट है केस स्टडीज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑन द सिलेबस। अब जो सिलेबस में कंटेंट दिया है उसी पे बेस्ड केस स्टडीज है, जैसा मैंने बताया ये आपकी तैयारी है, आप कैसे आगे काम करते हैं उसकी, तो उसी से रिलेटेड केस स्टडीज बताई जाएगी। केस स्टडीज क्या होते हैं? जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं उसके बाद आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएगी, बहुत सारी जिनको आपको अपने इंटेलेक्ट से सॉल्व करना है, अपने ही दिमाग लगाकर या अपने ही जो चीज़ें हैं, अपने खुद को ब्रेन को यूज़ करके ही वो सारी चीज़ें सॉल्व करना है। तो ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के रूप में दी जाएगी कि अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेस में होते तो आप क्या करते, केस स्टडी दी जाएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप सपोज कोई एक केस दे दिया है आपको तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे केस स्टडीज़ में। केस स्टडीज़ तो ऐसा है कि आप 2, 4, 5, 6 जितनी सॉल्व करें, आपको समझ में अगर एक बार आ गया है तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये इजिएस्ट पार्ट है इस एथिक्स के पेपर में। तो चलिए यहाँ पर एथिक्स के पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है और हम लोग जितने जल्दी हो सके सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे और पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पर अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।